खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का आयोजन कराएगी। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करेंगे। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर आ गई है। वहीं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पलटवार किया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि मैं किसी नेता पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, जिसने कहा उसे मुबारक। अरविंद केजरीवाल श्री राम के बड़े भक्त हैं, वो हर काम भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर करते हैं। जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यह इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और यह चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना, और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के, पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण